बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफा बिललाह वकीला। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जी, चैप्टर का हेडिंग है स्यूडो सिलोमेट बॉडी प्लान। ये कंफर्म कर लें कि सेम चौथे सेमेस्टर में ऐसे ही है, यही नाम है कि कुछ चेंज तो नहीं है फोर्थ एडिशन के अंदर? इसी नाम से? चलो ठीक सर, यही नाम है जी। इसके नीचे एक और लफ्ज़ देख लीजिएगा, ये लफ्ज़ चूँकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले के मुकाबले में, एस्केलमेन। मैंने कल भी कहा था कि वो डायग्राम जो वहां बनी हुई है उस डायग्राम को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो ठीक है, डायग्राम अनलेबल्ड है लेकिन बहरहाल डायग्राम मौजूद है। इसमें कंसेप्ट्स हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है स्टार्ट में, और उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर आगे फॉलोअप शुरू हो रहे हैं जी। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है, जो बेसिक चीज़ें वो पहले एक बार कर लेते हैं जी। पहले तो आप बताइए कि आप में से कोई इस काबिल है कि मुझे बता सके व्हाट इज स्यूडो सिलोम? सर, स्यूडो का मतलब ट्रू होता है और सिलोम मतलब कैविटी, ट्रू कैविटी सर, फॉल्स कैविटी जी। दो जवाब है, पहला जवाब मरियम बतूल का था और दूसरा जवाब किसने दिया है? सेकंड आंसर इमाम 406 जी, 406 इमाम का जवाब दुरुस्त है और मरियम बतूल भट्ट आपका जवाब गलत था। आपने बहुत तेजी के साथ बोल दिया और गलत बोल दिए। स्यूडो मीन फॉल्स, स्यूडोपोडिया फॉल्स फेट, ऐसे स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो फॉल्स सिलोम, जाली सिलोम जो असली ना हो। अब असली सिलोम कौन सी होती है ये भी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 में, कोई बताएगा जो डिफाइन करेगा कोई सिलोम को? व्हाट इज सिलोम? मेसोडर्म्स की दो लेयर्स होती हैं, एक जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन को कवर करती है। सर आपने आपने जो स्टार्ट जहां से स्टार्ट किया वो स्टार्ट आपका गलत है, एंड पे जाके आपका स्टेटमेंट ठीक हो गया। अब कोई और स्टूडेंट प्रॉपर डिफाइन करेगा, कोई और स्टूडेंट जो प्रॉपर डिफाइन कर सकता है इस वक्त? चलो बेहतर आंसर है, जब जॉब शुरू किया था तो गलत था, उसमें नोट कीजिएगा। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में थ्री बॉडी लेयर्स होती हैं जिनके नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सेंटर में मेसोडर्म होती है। अगर मेसोडर्म स्प्लिट हो जाए, गौर कीजिए फिगर पे, अगर मेसोडर्म स्प्लिट हो जाए कट जाए उसके दरमियान में कैविटी डेवलप हो जाए तो डेफिनेटली वो कैविटी सिलोम होगी, और उस कैविटी के दोनों साइड पे नहीं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी जो लेयर होगी वो मेसोडर्म ही होगी। लेकिन एक नया लफ्ज़ है मेसोथीलियम, शायद आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं आप बताएंगे, और इसी के लिए एक और अल्टरनेट लफ्ज़ भी है और वो है पेरिटोनियम। सिलोम ऐसी बॉडी कैविटी है जो मेसोडर्म के अंदर होती है, और वो फॉर्म कैसे होती है वह एक अलग मसला है। उसके दोनों साइड पे मेसोडर्म की लेयर मौजूद है और वो लेयर मेसोथीलियम या एपिथीलियम भी कहला सकती है, और पेरिटोनियम भर उसी का ही नाम है पेरिटोनियम। सर पेरिटोनियम तो एब्डोमिन कैविटी को कहते हैं ना? नहीं बेटा, पेरिटोनियम एब्डोमिन कैविटी को नहीं कहते। जो डायग्राम लाई है बहुत ही मोटी वाली है, डायग्राम मौजूद है, मैं अगर उस डायग्राम में चला जाऊँ डायग्राम तो आपको दिखा दूंगा इसी वक्त से, लेकिन उसमें जो चीज़ हमें चाहिए पूरी वो नहीं मिलेगी जी। किसी को याद हो कि वो चैप्टर जो आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है चैप्टर 16 के नंबर से, यहाँ भी उसका नंबर कितना है? पांचवें एडिशन में चैप्टर का नंबर क्या है जो आपने चौथे एडिशन में चैप्टर 16 के नाम से पढ़ा हुआ है? सर आई थिंक 7 होगा। 7 होगा, चलिए देखते हैं कौन सा चल रहा है इस वक्त हमारे सामने। पांचवा चैप्टर है, से पहले होना चाहिए।
मेरा भी यही सवाल है जो आपने कहा, ठीक है जी, बिल्कुल बोल दिया जी। अब ये है जी बुक मिलर की, और मिलर की बुक मिलर जैसी ही होती है। डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ खामियां हैं कुछ खूबियां भी हैं। डायग्राम के अंदर कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां भी हैं, लेकिन बहरहाल डायग्राम मौजूद है। इसमें तीनों जानदारों का कंपैरिजन है, ए सिलिमेट जो हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस चैप्टर में, सीडो सिलिमेट जो अभी हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे सिलोमेट जो कि ये वाले हैं। अब दोनों का डिफरेंस नोट कीजिए, इसमें नोट कीजिएगा एक्टोडर्म तीनों में, इसने चूंकि लेबलिंग नहीं की हुई है, याद रखिए कि डायग्राम के अंदर लेबल करना शर्त होती है, इसने कलर सिर्फ वो दे दिया है नीचे, लेकिन जब आपने डायग्राम ड्रा करनी है तो आपने इसको लेबल करना है। आपने इसको एक्टोडर्म, इसको मेसोडर्म, और ये जो सेंटर के अंदर बिल्कुल बारीक सी लेयर दिखाई है इसने, इस कलर में लाइट येलो कह लीजिए, ब्राउन कह लें, तो ये एंडोडर्म है। आप दोबारा चेक करें, अब रेड कलर में ये मेसोडर्म थी, इसमें इसमें मेसोडर्म ये है, इसमें मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी है, ये दोबारा गौर से देख लीजिएगा, पॉइंट को दोबारा गौर से समझें, वो कैविटी जो मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में है, इसके अंदर की तरफ एंडोडर्म है, इसके बाहर की तरफ मेसोडर्म है, ये सीडोसिलोम है। इसमें मेसोडर्म वगैरह में कहीं पर कोई कैविटी नहीं है, इसकी एंडोडर्म के अंदर की तरफ कैविटी है और वो गट कैविटी है, और ये हर जगह ये भी गट है, ये भी गट है। गट जो है वो एंडोडर्म के अंदर कैविटी को कहते हैं, जबकि इसमें चूंकि बॉडी कैविटी नहीं है, ये गट कैविटी है सिर्फ, इसमें सिलोम नहीं है, सिलोमेट, इसमें स्यूडोसिलोम है। अब सिलोम कैविटी है या बॉडी कैविटी है, लेकिन ये स्यूडो क्यों है, इसके एक साइड पे मेसोडर्म है और एक साइड पे एंडोडर्म है, ये स्यूडोसिलोम है। यहाँ पे आ जाए, ये सिलोम है, असली सिलोम ये है जैसे हम लेबल हुआ है, इसके बाहर भी रेड कलर में और इसके अंदर भी रेड कलर में मेसोडर्म, एक ऐसी कैविटी जो मेसोडर्म के अंदर है, इसके दोनों साइड पे मेसोडर्म है, उसे सिलोम कहते हैं। अब यहाँ पे इसने, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसने पेरिटोनियम और सेरोसा, इस मेसोडर्म में जो आउटर लेयर है, चूंकि मैं कुछ लफ्ज बोले लेता हूँ, आपने बताना है कि आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ हैं जी। मेरा पहला लफ्ज है स्प्लैंकनिक, कितने लोगों ने लफ्ज पढ़ा हुआ है, वट इज स्प्लैंकनिक, अपने नॉलेज के बेस बताना जी, गूगल नहीं करना है, वट इज स्प्लैंकनिक। मैं इस सवाल का जवाब सुनने के बाद कुछ कमेंट भी करूंगा आपको जी। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि आपको इसका नहीं मालूम है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सोमैटिक, सर सोमैटिक जी, सर जर्म सेल्स के अलावा सर सेल्स जो होते हैं जो बॉडी बनाते हैं सर, जिनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। चलें खैर आपकी बात होगी, चलें अगला नाम है जी विस्त्रल, तीसरा लफ्ज मैंने बोला है विस्त्रल, सर कैविटी में मौजूद, दोबारा बताइए सर कैविटी में मौजूद ऑर्गन्स, सर सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं कैविटी के अंदर। चलें तीन लफ्ज हो गए, अब मैं चौथा लफ्ज बोलने लगा हूँ, चलें असल में जो लफ्ज मैंने बोले हैं ये सारे के सारे इंटर लेवल के अल्फाज हैं, ये सब आपकी इंटर की बुक्स में आए हैं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आप में से किसी ने भी मेरे लफ्ज पे गौर नहीं किया, बल्कि उस लफ्ज के साथ जो चीज़ आपके जहन में थी आपने वो बता दिया, पहले लफ्ज का किसी का जवाब नहीं आया स्प्लैंकनिक क्या होता है, लेकिन बाकी अल्फाज के आपने जवाब दिए, लेकिन मैंने सिर्फ सोमैटिक कहा आपने सोमैटिक सेल को डिफाइन कर दिया, मैंने सिर्फ विसरल कहा आप लोगों ने विसरल की जगह पे विसरल ऑर्गन्स को बयान कर दिया, दो तीन दो बच्चों ने, अंश ने भी और एक और ने भी। चलें एक लफ्ज में और बोलने लगा हूँ जी, वो लफ्ज है पेराइटल, व्हाट इज पेराइटल। अब ये चारों लफ्ज एक ही सेंस में बोले हैं मैंने, स्प्लैंकनिक पेराइटल विसरल सोमैटिक, चलें आखिरी पॉइंट सुन लीजिए। बहरहाल आप लोग मेरे फर्स्ट ईयर के टेस्ट में फेल हो गए, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड लेवल का टेस्ट है एफएससी का, आपकी सारी क्लास एफएससी हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं था जी, वो एक ही चैप्टर में या दो चैप्टर में आया हुआ है, ये फर्स्ट ईयर में भी है सेकेंड ईयर में भी है, दोनों जगह पे है। और ये बताइए इस वक्त क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं जी,
आपकी क्लास में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, सबसे ज्यादा नंबर? ओरा सर मेरे जी, ईमान आपने कहा है? यस सर। कितने हैं सर? 979। 979 तकरीबन 1000 के करीब जी। और नंबर टू के किसके हैं? 979 से ज्यादा किसके नहीं है? किसी के 979 से ज्यादा नंबर तो नहीं है? चले 979 से कम किसके नंबर है जी? सर 929। 29 आपके नंबर, ठीक है जी। और जी कोई इन दोनों के दरमियान में और किसी के नंबर? सर सारा के हैं। कितने हैं सर? सारा के 959 आई थिंक। 959 चलें, बहरहाल 900 से अब बहुत से बच्चे मौजूद हैं, कम से कम तीन तो अंडरस्टूड है, और भी होंगे डेफिनेटली। अब इतने नंबर लेने का मतलब है कि बहुत अच्छे नंबर, 900 से अब नंबर सारे के सारे बहुत अच्छे नंबर शुमार किए जाते हैं। लेकिन आप लोग मेरे चार क्वेश्चन जो कि दो फर्स्ट ईयर से थे, दो सेकेंड ईयर से, उसका कोई भी जवाब नहीं दे सके हैं, विच इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग फॉर मी। और उसके बाद चलें अब यहाँ पे आ जाएं, जो मैंने लफ्ज़ बोल रहे हैं वो इसके लिए और इसके लिए, इस लेयर को और इस लेयर को, जो नाम दिए जाते हैं स्पेशल लेयर्स, जो ये वाली है दिस इज विसरल, दिस इज कॉल्ड विसरल लेयर, विसरा, और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं मोस्टली वो इससे डेवलप होते हैं इस लेयर से, और ये अंदर की तरफ है। बहरहाल इसकी जो लाइनिंग है वो सेरोसा कहलाती है, और राइटल बाहर लेयर होती है जिसको स्प्लैंकनिक भी कहते हैं, इसकी जो लेयर है वो पेरिटोनियम कहलाती है। बहरहाल ये लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल चीज़ है कि मेजोडर्म स्प्लिट हो गई है, उसकी दो लेयर्स बन गई हैं, दरमियान में जो कैविटी है वो सिलोम है, यहाँ पे मेजोडर्म एक साइड पे है, अंदर अंडर पे, इन तीनों जो कैविटी है वो स्यूडोसिलोम है। मैंने उस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जो कि आप किसी और चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं और आपको याद नहीं था। हम वापस जा रहे हैं अपने चैप्टर की तरफ जो हमें पढ़ना है, स्यूडोसिलोम और चलिए जो हमारा चैप्टर आपके सामने है जी, यहाँ से शुरू हो रहा है कॉन्सेप्ट्स। जो लफ्ज़ है एस्केल्मेन, थिस और स्यूडोसिलोमेट बॉडी ग्लैंड, ये तमाम जानदार जो हम पढ़ेंगे इसमें तकरीबन सारे के सारे में स्यूडोसिलोम मौजूद है। ये एक ऐसा करैक्टर है जो इन सेवन फाइलम को जिसका जिक्र आगे आ रहा है यूनाइट करते हैं, और इसका दूसरा नाम एस्केल्मेन थे दूसरा। अब इसमें जो फाइलम के नाम है नाम चेक करें, रोटिफेरा, काइनोरिंका, नेमाटोडा, नेमाटोमार्फा, एकैंथोसिफेरा, लॉरिसिफेरा, प्रियापोलिटा, ये सेवन फाइलम के नाम से दिए हुए हैं। इनमें सबसे मशहूर और इम्पॉर्टेंट जिससे आप वाकिफ हैं वो नेमाटोडा है। नेमाटोडा के अंदर एस्कैरिस और पिनवर्म वगैरह आते हैं जो एफएससी में भी थे, और दूसरा मशहूर और अहम फाइलम रोटिफेरा है, ये तादाद के लिहाज से और पार्थिनोजेनेसिस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे फाइलम गैर मरूफ हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। आगे आ जाए, सेकेंड पॉइंट स्यूडोसिलोम है जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दी है। नंबर थ्री पे इसने पॉइंट दिया है जी, इनमें जो कॉमन करेक्टर्स है, नंबर एक कम्प्लीट स्ट्रक्चर सब में, यानी माउथ और एनस में जैसे सिस्टम है, मस्कुलर फेरिंग्स है, फेरिंग्स में मसल्स होते हैं। इनमें ये लफ्ज नया है आपके लिए, ये आपने नहीं पढ़ा हो पहले से, कॉन्स्टेंट सेल नंबर बैक्ट में यूटेली लिखा हुआ, आप इस नाम से वाकिफ नहीं है। एक जानदार में सेल्स की तादाद का कॉन्स्टेंट होना या किसी ऑर्गन के अंदर सेल की तादाद का कॉन्स्टेंट होना यूटेली कहलाते हैं। रोडेनफीडिया, क्यूटिकल है और एडिसिव ग्लैंड मौजूद है, ये इनके कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं जी। अब नेक्स्ट हेडिंग है जी यहाँ पे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशन के लिहाज से। अब जैसा कि ऊपर तारुफ हुआ है कि ये कैरेक्टर्स हैं इनमें, और इनमें स्यूडोसिलोम खासतौर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब ये जो सेवन डिफरेंट फाइलम्स हैं जिनमें चंद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक जैसे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उनको ग्रुप करके एस्केल्मेंथ्स का नाम दिया गया, जो कि और हेलमेंथ वर्म को कहते हैं, ये वर्म्स ही कह लीजिए। इनमें बहुत अपेराइटीज, अब इनके आपस में रिलेशनशिप्स, फॉरजनेट रिलेशनशिप्स गैर वाजे हैं, यानी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसने, ऑब्सक्योर, गैर वाजे, क्लियर नहीं है कि इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है। इनका फॉसिल रिकॉर्ड ना होने के बराबर है, लफ्ज़ इंग्लिश में बहुत मुश्किल लफ्ज़, मिलर की जॉली तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, और वो भी अमेरिकन है, मीगर, तुमने पढ़ा है कभी पहले? व्हाट इज मीगर? बहुत कम मुराद है। अब इसके हवाले से दो पॉसिबिलिटीज हैं फाइलोजेनी के हवाले से। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे के सारे रिलेटेड हैं
फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स की बेस पे, और स्ट्रक्चर ऊपर जिक्र हो चुके हैं, सुडोसिलोम, क्यूटिकल, मस्टर फेरेंस, एडिसिव ग्लैंड वगैरह, ये सब चीज़ें जो कि इन सब में मौजूद हैं, ये बाज़ार लगेगा कि इनका कॉमन ऑरिजन है, बाज़ार हम कह सकते हैं, ये मफरूजा है कि इनका ऑरिजन कॉमन है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये सब के सब जानदार जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने लगे हैं, ये पॉलीफाइलेटिक, यानी इनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हैं चूँकि, और कुछ कैरेक्टर एक जैसे हो गए हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चूँकि आप एफएससी में अच्छे पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट श्योर कि आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से किस हद तक वाकिफ हैं। किसी ने याद रखा है लगभग इंटर से सेकेंडरी भी पढ़ी हुई कि नहीं पढ़ी हुई, या उसमें भी आपने डंडी मारी थी जी? Do you know what is convergent evolution? कोई आंसर? सर जी बताएं। नो आंसर, चलिए कोई बात नहीं सर। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ा हुआ है हमने, किसी जानवरों की एवोल्यूशन का मतलब तो वो होता है ना न्यू तब्दीली, कन्वर्जेंट बहुत ज्यादा उसकी खूबियों का मिलके कुछ इस तरह था कुछ। नहीं, बट आपका तो सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर सर, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक जैसे हालात में रहने की वजह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं जी। अब आपने जो जवाब दिया है ये डेफिनेटली गूगलिंग नजर आ रही है जी मुझे। बहरहाल चूंकि लफ्ज है, एक लफ्ज है कन्वर्जेंट और दूसरा लफ्ज है एवोल्यूशन, जब दोनों इकट्ठे होंगे तो ये मीनिंग होगा। अगर खाली कन्वर्जेंट हो तो ये आपका फिजिक्स का टॉपिक भी है, फिजिक्स में भी आपने ये लफ्ज कहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स के लिहाज से अगर हो तो क्या होगा बताइए। एक्सक्यूज मी सर, एक जगह इकट्ठा करना जी। शादी आप क्या कह रही हैं बताएं सर? ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है ना, इसमें इंसेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और आगे वो उनके अंदर एवोल्यूशन होती है और वो डिफरेंट जो है आगे इंसेस्ट दूसरे डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो डिवर्जेंट होते हैं। आपने गड़बड़ कर दी, काफी सारी गड़बड़ कर दी है, आपसे पहले जवाब दे चुका हुआ है। रीजन उसकी ये होती है कि अगर दो मुख्तलिफ जानदार जिनका आपस में ताल्लुक ना हो, सेम एनवायरमेंट में हो, उस एनवायरमेंट में रहने के लिए उनको सिमिलर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इसलिए बाहर उनकी शेप एक जैसी हो जाती है। इस एवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है एक फिश और वेल। फिश और वेल मिसाल के तौर पे दोनों पानी में रहती हैं, पानी में रहने के लिए बॉडी की शेप कैसी होनी चाहिए? दोनों की शेप एक जैसी हो जाती है। ये जस्ट था जिसका बैकग्राउंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वापस आ जाइए जी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ और ये कैरेक्टर पैदा हो गए, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये मोनोफाइलेटिक थे और में अदर कैरेक्टर भी डेवलप हो गए। ये बहर दोनों मफरूजे ही हैं, और याद रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवोल्यूशन जो जमाने कदीम में हो चुका है, हम उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, देर इज नो साइंटिफिक प्रूफ जी। इसका आखिरी जो पैराग्राफ है जी, ये तो ये होगा जी, वो दो हाइपोस हैं वो मफरूजे ही रहेंगे चूंकि वो प्रूफ नहीं हो सकते हैं कोई भी इनमें से। पहले ये सब कुछ वही है जी हमने ऊपर जिक्र किया है। यहाँ पे आखिरी लाइनों के अंदर एक दो फिक्र हैं इम्पोर्टेंट। एक पॉसिबिलिटी है कि इनका एक ऐसा एंसेस्टर था जो प्रिमिटिव था, सीलिएटेड था, एसिलोमेट और टर्बिलेरियन लाइक था, जैसे टर्बिलेरियाज हैं, और उससे आगे इनका विष्णु है। बहर यह है जी ऑल अबाउट, ये सब मफूजे हैं जी। अब यहाँ पे चूँकि पहले बात हो चुकी है कि ये फाइलम सेवन डिफरेंट फाइला हैं, जो चंद एक करेक्टर जो कॉमन है उनके अंदर, उनको यहाँ पे इसने डिस्कस किया है जनरल करेक्टर्स के नाम से, उन सेवन एस्कलमेन फाइला के हवाले से। तरतीब से देखते जाएंगे जी। ये वाला फिक्रा सुडोसिलोम की वजाहत है, ये यहाँ से लेकर बल्कि पूरा जो पैराग्राफ है, चूंकि मैंने सुडोसील सुडोसिलोम की वजाहत पहले से कर दी है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ इसके अंदर एक लफ्ज है। इस कैविटी के अंदर फ्लूड मौजूद है और उसकी वजह से इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डेवलप होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। सेकंड पैराग्राफ में आ जाए। अब इसमें से ये एग्जांपल दे रहा है कुछ की, मसलन अकैंथस फेलन्स और नेमेटोमॉर्फा को छोड़ के बाकी सब में कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है, जिसमें एक स्ट्रिप पे माउथ होता है और एक स्ट्रिप पे एनस होती है। इस सिस्टम की वजह पहले से खोज की हुई एनिवर्टिया के अंदर उस, और ये सब के सब हायर एनिमल्स में भी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसने ये एक बार फिर
मोटे लफ्जों के अंदर ब्लैक फेस में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ये पॉइंट हम और डिस्कस कर चुके हैं निवर्टिया के अंदर। जब द सिस्टम ट्यूब टाइप हो शुरू में माउथ, उसके बाद फेरिंग्स और ऑनवर्ड बाकी पार्ट्स, तो फूड की प्रोक्योरमेंट, उसकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिवेशन स्टेप बाय स्टेप हो सकती है। और ये सैक टाइप सिस्टम के मुकाबले में मैंने सैक टाइप इस्तेमाल किया है, बुक ने यहाँ पे ब्लाइंड एंड टैंक सिस्टम का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया है, से ज़्यादा बेहतर सिस्टम होता है। अगला हेडिंग, अगला पैराग्राफ, यूटिलिटी। किसी स्पीशीज के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ सेल्स, अगर सिंसिशियम हो तो कॉन्टिस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, इसको यूटेली का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल दी गई है इसने अगले पेज के ऊपर, एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। अगले पेज पे है जी, इसी पेज पे देख लेते हैं वापस तो नहीं जी, अगले पेज पे ही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको देख के आपको याद आ रहा है कोई कोई चीज़, देखा हो, चेक किया हो, पता हो उसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन हो? एस्कैरिस, इसका साइंटिफिक नेम है, मलर लोकल नेम है और ये बहुत कॉमन है जी गरीब मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सबसे मशहूर फाइलम नेमाटोड से ताल्लुक है इनका। ये इस तस्वीर के मुताबिक इस तरफ एसिलोमेट है, ये स्यूडोसिलोमेट है और इस तरफ सिलोमेट फाइला है। ये तरतीब दी हुई है इसने मिलर ने हर जगह पे अपने जी, ठीक है जी, इधर जगह कॉन्स्टेंट सेल नंबर्स में इसने जो एक्सप्लेनेशन दी होगी वो देखनी होगी हमें, अगर यहाँ एग्जाम्पल दी है नहीं दी, इसने नहीं दी है जाके आए जी। अब यहाँ पे वर्डिंग है सिली आमतौर पर एबसेंट है एक्सटर्नल सर्फेस से, लेकिन क्यूटिकल मौजूद है। क्यूटिकल इससे पहले कई बार जिक्र आ चुका होगा, लफ्ज़ अंतर इसको स्किन है, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा मैं पहले कह चुका हूँ कि स्किन की टेक्निकल जहाँ कुछ और है, मिरर ने चीज़ को सामने नहीं रखा हुआ है। अगर यहाँ पे लफ्ज़ चेक कीजिएगा, स्किन की क्यूटिकल के ऊपर स्पाइंस हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बने हो सकते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं जानदारों की, और इसके अलावा टैक्सोनॉमी उनकी पहचान के हवाले से भी खास अहमियत के हामिल है। उसके बाद है लफ्ज़ मोल्डिंग और एक्टाइसिस, ये लफ्ज़ आपने इंटरव्यू में पढ़ा होगा, कोई बताना चाहेगा मोल्डिंग या एक्टाइसिस के हवाले से कुछ चीज़? यू नो सर, कैंसिल उतारना पुराने जो ऊपर से बड़ी सरफेसेस को, सर वो जो कॉकरोच के अंदर वो जो अपना स्केलेटन चेंज करता है उसके अंदर था ये क्राइसिस। नहीं, आपने पूरा स्केलेटन चेंज करा दिया, इसका एक्सोस्केलेटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे आपको। बहरहाल उसका जवाब से पहले और ठीक जवाब दिया है इसने, ये बहुत मशहूर और मारो प्रोसेस है और ये भी मोल्टिंग करते हैं, लेकिन इनके मोल्टिंग और बाकी जानवर के मोल्टिंग में डिफरेंसेस भी हैं, वो एक अलग मसला है कि वो किस तरह से रहा जी। आखिरी पॉइंट है कि इनकी मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में है, चंद एक मैरीन एरिड में भी रहते हैं और इसमें से नेमेटोमॉर्फा, एकेंथस फैला और नेमाटोडा पैरासाइट्स हैं, जो पैरासाइट हैं उनकी अपनी खास अहमियत होती है। मेजॉरिटी फ्री लैंग में, कुछ रोटीफर्स कॉलोनियल के मैं, इसके साथ ही जनरल हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है इसमें, ये इसी के हवाले से है यह डायग्राम। याद रखिए कि चंद एक रिएक्टर के बेस पे है अभी, चूँकि इनकी स्टडी प्रॉपर नहीं हुई है। बहरहाल आपके सामने जो तस्वीर है इसमें एक साइड पे टर्बिल एरिया जो कि सिलोमेट थे और आखिरी जगह पे पोलीकीटा जो कि सिलोमेट हैं, इनके दरमियान में ये सारे के सारे या मोस्टली स्यूडो सिलोमेट हैं, ये ज़्यादातर स्यूडो सिलोमेट हैं और जिस तरतीब से नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से इनकी बज़ाहर रिलेशनशिप है कि कैंडस वाला रोटी फ्राई में कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, कॉनरिंग का रेसिपरा प्रियफ्रिडा में इनके कॉमन कैरेक्टर हैं, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर इनसे मिलते जुलते हैं और ये दोनों नेमाटोडा नेमाटोमॉर्फा और ये पांचों मिलके एक ग्रुप इसमें आ जाएंगे। उसके बाद गैस्ट्रोट्राइका में कोई एक ऐसा करेक्टर है जो इन सब से मिलता जुलता है और लास्ट वन है जी ग्रैथोस्टोमियोलुडा जो कि सिलोमेट है, इनमें भी एक करेक्टर कोई ऐसा है जो इनके साथ अटैच करता है। अब ये तस्वीर जब देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई और रीज़न इसकी यह है कि चूँकि ये सिर्फ चंद एक करेक्टर के ऊपर बेस करती है, किसी एक या दो दो करेक्टर्स के ऊपर, जब तक इनकी कंप्लीट फॉलोडाइन स्टडी नहीं हो जाती तब तक ये क्लैडोग्राम जो है बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत माटी वाले क्लैडोग्राम है इस डॉक्टर से। और उसकी सही डायग्राम करनी है, ये सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए किस तरतीब से दिए हैं, लेकिन पहले याद रखिएगा कि ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक कम्प्लीट रिसर्च ना हो जाए, बहुत से करेक्टर स्टडी ना कर लीजिए,
सिंगल क्राइटेरिया, एक दो क्राइटेरिया के ऊपर जो बेस की हुई चीज़ें होती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं और वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है टाइम के साथ से। जी हमारा टाइम सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गया है और इन 5 मिनट में हम अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइल में रोटी फैल रहा है, पर यहाँ तक अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो ऊपर एक लफ्ज़ रहेगा था यूटैली, ये चूँकि यहाँ पे इसलिए नहीं किया हुआ, मैं जस्ट आगे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी होगी नेक्स्ट फाइलम के अंदर और वो बड़ी खास अहमियत की हामिल है, अगर मिल गई तो जी। इसमें से सीनोरेप्टाइटिस एक गैर मारूफ जानदार है आपके लिए, आप इस नाम से अगरचे आपने नाम शायद पढ़ा हुआ है लेकिन आई एम श्योर कि किसी को याद नहीं रहा होगा। जी किसी को याद है सीनोरेप्टाइटिस का नाम कहीं पर आया हो आपका सी में, किसी ने याद रखा हो? जी बिल्कुल, ये कहीं ये था जी। यहाँ पे कुछ और चीज़ें, ज़्यादातर एस्कल्बेंथ बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े हैं कि 1 मीटर तक इसमें नेमाटोड आते हैं जो इस साइज बड़े साइज में हो सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है, अनसेक्वर्ड हैंड ट्रिपलोब्लास्टिक हैं, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन में होंगे, ऑस्मोरेगुलेशन प्रोटीन अपटेक के जरिए होती है और फ्रेश वाटर स्पीशीज में ये ज़्यादा बेहतर डेवलप है सिस्टम। इनमें सेपरेट ब्लड और गैस एक्सचेंज सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, सेफलाइजेशन यानी ब्रेन का मौजूद होना मौजूद है, प्रिफ्रंटल ब्रेन मौजूद होता है, सेंसरी ऑर्गन्स माउथ रीजन के आसपास भी मौजूद होते हैं और जगह पे भी हैं, डायोशियस पहले से एक्सप्लेन हो चुका है। ये है जी ऑल अबाउट देयर सम करैक्टर्स। सर अटेंडेंस लगा दें जी। बिल्कुल तब बताइए जी, 01 है जीरो नंबर। चलिए अटेंडेंस हो गई, और कोई है जी लेट कमर? दोबारा टीवी लगा जी, दोबारा कर दीजिए। और फोन कह रही थी जब लास्ट में आप 412 जी हो गई जी, और कौन है जी? सर 441 40 का पहले उच्च करिए 41 की भी कल वाली कल जल्दी सर मेरी भी कल वाली जी। किसी का कोई क्वेश्चन जी? एक्सक्यूज मी सर, मैं कल वाली कह रही हूँ, देख लिया मैं सर 444। सर 40 की कल क्यों हो गई है? हाँ जी सर, साइनसिटियल एपिडर्मिस क्या होती है? बेटा आपने लफ्ज़ की मत मार के रख दिया, आपको मैं क्या बताऊं, इसका मतलब है आप जरा कॉलेज में कम कम ही आते हैं या क्लास में। ये लफ्ज़ कई बार एक्सप्लेन हो चुका है, डायग्राम एक्सप्लेन हो चुका है, आपने लेक्चर मिस किए होंगे, पुराने लेक्चर सारे के सारे सुने ताकि आपको पता चले मैंने क्या कहा था और आपने उसको क्या बना दिया। सादिया आपके माइक से कुछ आवाज़ें आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला है? चलो जी, टाइम इज ओवर, अल्लाह हाफिज़।